हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ब्लड ग्रुप के बारे में, और हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो ब्लड ग्रुप्स है जो ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कैसे कंपेटिबिलिटी बनाते हैं और कैसे एंटीबॉडीज फॉर्म होती है उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जो कि वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि जो रेसिस ग्रुप है वो कैसे इन्वॉल्व है इस कंपेटिबिलिटी टेस्ट में। सो शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको शुरू करेंगे बाय नोइंग कि ब्लड क्या है। सो बेसिकली ब्लड जो है वो क्या है, एक फ्लूइड है, ठीक है। तो ब्लड बेसिकली क्या है, ये फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट होगा पूरी बॉडी में। इसको ट्रांसपोर्ट होना है, ये ब्लड है, ये फ्लूइड है। सो ब्लड क्या है, फ्लूइड, ये ट्रांसपोर्ट होगा इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होगा। अब जो फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड जो है ये क्या कैरी कर रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि भैया ये सारे बॉडी के पार्ट्स में ट्रैवल कर रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो फ्लूइड है ये कैरियर है फॉर ऑक्सीजन, ये कैरी कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, ये कैरी कर रहा है हॉर्मोन्स को, ये कैरी कर रहा है जर्म सेल्स को जो कि डिफेंसिव रोल प्ले करेंगे। जर्म सेल्स जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करेंगे। तो इस फ्लूइड की तो ये खासियत है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन होगा सारी बॉडीज के जो भी पार्ट्स हैं उनमें इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये जो इतना इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, हमने कह दिया कि ये सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रेवल करेगा, लेकिन ये जाएगा किसकी मदद से? तो ये फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड जिसका इतना सारा इंपॉर्टेंस है वो कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से सारे बॉडी पार्ट्स में फ्लो करेगा। सो ये तो हो गया एक जनरल आइडिया अबाउट कि ब्लड क्या है। अब हम ये देखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से प्रेजेंट है। सो जो ब्लड ग्रुप है उसका क्लासिफिकेशन 4 डिफरेंट टाइप्स में है। क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो जो ब्लड ग्रुप है ये क्लासिफाइड है 4 टाइप्स में, और ब्लड ग्रुप की 4 टाइप्स क्या हैं, वो है ए बी ए बी एंड ओ। ये 4 मेजर हैं टाइप्स, और ये ब्लड ग्रुप जो है इसके क्या एंटीजेंस है, कौन सी एंटीबॉडी बॉडी फॉर्म होगी इसके अगेंस्ट के लिए, और कौन से डोनर से ये जो ब्लड ग्रुप है ये एक्सेप्टेबल है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारा ब्लड ग्रुप। सो ब्लड ग्रुप यहाँ पे मैंने ग्रुप शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा होगा एंटीजन ऑन आरबीसी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है एंटीबॉडीज। और जो 4th कैरेक्टर जो होगा वो किस डोनर से ये ग्रुप जो ब्लड है वो एक्सेप्ट करेगा। तो शुरू करते हैं ए से, ठीक है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है इसका एंटीजन ऑन आरबीसी जो प्रेजेंट होगा वो है ए। अब एंटीजन का मतलब क्या है, एंटीजन का मतलब ये है कि अगर ये जो ब्लड ग्रुप है, कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसको ब्लड चाहिए, तो उसके ब्लड में जो जो आरबीसीज है उस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो ए टाइप का है। अब ये जो ए टाइप का एंटीजन है इसका डोनर ग्रुप
सिर्फ ए हो सकता है या तो ओ हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो एंटीजन और आरबीसी है वो इसी डोनर के ग्रुप को ट्रिगर कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा, ताकि ये इंड्यूस कर सके इस ब्लड ग्रुप को। ये एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट एंटी बी एंटीबॉडीज बनाएगा, यानी कि मैंने बोला एंटीजन ऑन आरबीसी ए टाइप का है, इसलिए इसका जो डोनर ग्रुप है वो ए है। क्यों ए है? क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट है वो इसी डोनर ग्रुप के ब्लड के सेल्स को ट्रिगर करेगा और तभी ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है। एंटीबॉडीज अगर हमने डोनर ग्रुप एक एंटीजन को बी दे दिया तो उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बना देगा, और एंटीबॉडी बनाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन एक मैकेनिज्म ऐसा है एंटीबॉडीज का जो कि अगेंस्ट फॉर्म होती हैं जो भी एंटीजन अगर प्रेजेंट है। जैसे कि एंटीजन ए अगर है तो इसका डोनर ए ही होगा, अगर बी दे दोगे तो ये एग्लूटिनेट कर देगी, यानी कि उस पर्टिकुलर ब्लड को डिसरप्ट कर देगी और कह सकते हो ग्लूड कर देगी, यानी कि ब्लॉक कर देगी, इसको फंक्शन करने ही नहीं देगी। सिमिलरली सेम चीज होगी बी के साथ भी। अब जो बी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन जो है वो बी है और इसके लिए डोनर बन जाता है बी, और ओ क्या है, ओ बेसिकली यहाँ पे रिसेसिव है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है या बी है इनके जीनोटाइप्स किस किस तरीके से हो सकते हैं, वो इस तरीके हो सकते हैं। इनका एलील होता है आई, एक्सक्यूज मी, और तो ए जो है वो डोमिनेंट टाइप का है, बी जो है ये भी डोमिनेंट टाइप का है। तो इसके जीनोटाइप्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो इसका जीनोटाइप ये होगा। जो ओ है ये कोई भी एंटीजन फॉर्म नहीं करता है। सो ओ जो है वो क्या है, रिसेसिव टाइप का है। जो कॉन्सेप्ट है ये आप पढ़ते हो जेनेटिक्स के अंडर, जो कि क्लास 12th में आपके आएगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं जेनेटिक्स के चैप्टर्स को कवर करूंगा। सो ठीक है, यहां पे आई ए की बात होगी, ए का डोनर हो गया, बी का हो गया। अब नेक्स्ट जो है ए बी, अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे एंटीजन और आरबीसी जो प्रेजेंट होंगे वो ए टाइप का भी है और बी का भी है। हमने जैसे एंटीजन ऑन ए के, एंटीजन ऑन आरबीसी ए ब्लड ग्रुप के लिए ए है, बी के लिए बी है, उसी तरह ए बी के लिए दोनों प्रेजेंट है। क्यों दोनों प्रेजेंट है ये भी अभी देखेंगे। तो ए बी प्रेजेंट होने की वजह से तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे एंटीबॉडीज फॉर्म करने का कोई मतलब ही नहीं होता। और जो बी वाला है यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाएगा एंटी ए एंटीबॉडीज। ए बी अगर कंडीशन है तो यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे एंटीजन और आरबीसी है, वो दोनों ए बी है। दोनों ए बी क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो ए और बी दोनों हैं, यहाँ पे मैंने कंडीशन दिखाई कि दोनों ए और बी जो हैं ये डोमिनेंट हैं, तो दोनों जब कंडीशन आई ए और आई बी हो जाती है तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं, तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। सपोज कर लेते हैं एक पेरेंट का ग्रुप ए है और एक पेरेंट का ग्रुप बी है, तो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा वो आई ए आई बी ये फॉर्म होगा। तो इसमें क्या नजर आ रहा है, ए बी दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन को बोला जाता है कोडोमिनेंस। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, इसी वजह से यहां पे जो एंटीजन और आरबीसी है वो ए बी है और बी बी है, इसीलिए यहाँ पे जो डोनर हैं जिसको ये एंटीजन ट्रिगर कर सकते हैं वो सारे ही हैं, ए बी एंड ओ। और इसी वजह से ये जो ए बी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले रहा है,
तो ये ए बी किस तरह का हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। लास्ट जो ओ है, ओ अब तक हम समझ गए हैं कि ओ जो है वो बेचारा रिसेसिव है, वो ना तो एक ए उसमें मतलब ए में भी वो डोमिनेटेड रहा, बी में भी वो डोमिनेटेड रहा, वो ए बी में भी डोमिनेटेड था। तो इसने क्या करा, इसने एंटीजन ऑन आरबीसीज बनाई नहीं, ये एंटीजन ऑन आरबीसीज फॉर्म ही नहीं करता ये, लेकिन एंटीबॉडीज ए बी दोनों के लिए बनाएगा। यहां पे जो एंटीबॉडीज बनेगी वो दोनों ए बी के लिए बनेंगी। क्यों बनेगी? क्योंकि ये नाराज हो गया, क्योंकि ओ जो है ये सिर्फ ब्लड जो लेगा वो अपने ही टाइप से लेगा, क्योंकि ये एक रेसेसिव कंडीशन है। तो ओ उसी का ब्लड ग्रुप होगा जिसमें दोनों कंडीशंस इस तरीके से प्रेजेंट है। ओ का ब्लड ग्रुप, ओ का जो जीनोटाइप है वो बेसिकली इस टाइप के होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो ए और बी दोनों के लिए बनेंगे, और ये ब्लड जो है वो किसी से भी ले नहीं सकता, सिर्फ ओ से ही ले सकता है। और एक चीज और हमने यहाँ पे देखा, ओ इसको भी दे रहा था, इसको भी दे रहा था, इसको भी दे रहा था, तो ओ बेसिकली एक तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। सो यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लिख सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे रिसेस ग्रुपिंग का, तो वो कैसे रोल प्ले कर रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंपैटिबिलिटी में, ये भी देख लेते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि ए बी ए बी ओ, अब हमने देखा भी है कि कई बार ए पॉजिटिव होता है, कोई ए निगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, तो वो कंडीशन क्या है वो अब हम इसमें रिसेस में देखेंगे। तो अभी हमने फोर इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स देखे, अब हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे जो कि है रिसेस ग्रुपिंग। सो बेसिकली रिसेस ग्रुपिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि टेस्टेड होना चाहिए बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों इंपॉर्टेंट है रिसेस ग्रुपिंग करना, ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें RH, जो RH है इसको बोला जाता है रिसेस। ये रिसेस फैक्टर है, जिसमें ये रिसेस फैक्टर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव जिसमें ये नहीं प्रेजेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, क्योंकि ये भी इनकम्पेटिबिलिटी शो कर सकता है अगर जो एंटीजन है वो मान लेते हैं आर एच नेगेटिव है, है ना? अब हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक करना क्यों जरूरी है, ये इनकम्पेटिबिलिटी किस कंडीशन में दिखा सकता है ये समझ लेते हैं। कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी समझ लेते हैं। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होगा, सपोज कर लेते हैं एक ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ए पॉजिटिव हमने लिख दिया, ए पॉजिटिव, या मान लेते हैं ये ब्लड ग्रुप जो है ये ए नेगेटिव है, राइट? अब इस पे जो एंटीजन प्रेजेंट हैं वो किसके लिए होंगे, ए नेगेटिव। अभी ब्लड ग्रुप में हमने देखा था एंटीजन ऑन आरबीसी जो होगा वो ए होगा, तो डोनर ए आके उसको ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन आरएच फैक्टर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो अब जो एंटीजन है, जो ब्लड ग्रुप है वो ए नेगेटिव है, जिसपे एंटीजन, जो एंटीजन और आरबीसी है वो ए नेगेटिव है, राइट? अब अगर इस एंटीजन पे जो ब्लड डोनर है, जो डोनर ग्रुप है वो टेस्ट नहीं हुआ और वो ए पॉजिटिव था, अब ए पॉजिटिव इस पे
इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगा। ठीक है, हमने डोनर ग्रुप ए था, ए प्लस कर दिया, ए पॉजिटिव डोनर ग्रुप है यहाँ पे। हमने क्या करा, हमने ए नेगेटिव नहीं दिया, हमने ए पॉजिटिव दे दिया, हमने बस ए ए चेक करा, ये नहीं चेक करा आर एच वैक्टर। तो गड़बड़ी क्या हो गई यहाँ पे, इनकम्पैटिबिलिटी हो गया। इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो ए नेगेटिव था इसने इसी ए के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म कर दी, एंटीजन ए नेगेटिव जो था उसने डोनर ए पॉजिटिव के अगेंस्ट ही क्या करा, एंटीबॉडीज फॉर्म कर दी। अब एंटीबॉडीज फॉर्म कर दी तो क्या हो गया, यहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रप्ट हो गया, और वो क्या गया, एग्लूटिनेशन। सो इस तरह की कंडीशन ना हो इसलिए ये आरएच ग्रुप भी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये समझ लिया, ये समझ में हमें आ गया कि क्यों जरूरी है ये चेक करना कि एंटीजन जो है वो अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे डोनर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो आरएच फैक्टर से रिलेटेड एक केस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जिसको बोला जाता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। सो बेसिकली ये केस क्या है, ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस है, जिसमें जैसे हमने भी एक एग्जांपल देखा था उसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर केस है जिसमें क्या होता है कि एक आरएच नेगेटिव है, सपोज ये आरएच नेगेटिव मदर है, ये आरएच पॉजिटिव फीमेल पेरेंट है। तो बेसिकली जो आरएच जो फैक्टर है ये एक डोमिनेंट फैक्टर होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब मेल पार्टनर इस आरएच पॉजिटिव, फीमेल पार्टनर आरएच नेगेटिव, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा दैट ही विल बी आरएच पॉजिटिव। ओके फाइन, सो आरएच पॉजिटिव तो ये चाइल्ड है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ये अच्छा आरएच पॉजिटिव जो है ये आरएच नेगेटिव मदर होने के बावजूद भी बच कैसे गया। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो प्लेसेंटा था, इस प्लेसेंटा ने जो मदर ब्लड है और जो ये फेटस का जो ब्लड है इसमें एक बैलेंस, एक कहते हैं कि एक वॉल मेंटेन करके रखी, जिसमें यहाँ पे ये ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाया, तो आरएच नेगेटिव आ नहीं पाया इस फीटस की तरफ। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशंस हुई नहीं हार्म करने वाली और फर्स्ट चाइल्ड जो है वो इजीली टुक बर्थ। उसके बाद हुआ क्या, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद जो आरबीसी ऑफ फीटस था वो क्या हुआ, वो किसी तरीके से लीक कर गया इनटू द ब्लड ऑफ मदर। अब क्या हुआ, जब मदर के ब्लड में जो फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ होने के बाद जो आरबीसी रिमेनिंग थे वो क्या हुआ, वो ब्लड में फ्लो हो गए मदर के, उसकी वजह से क्या हुआ, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज। सो यहाँ पे सारा शुरू हो गया प्रॉब्लम। क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम में मिल गया ये ब्लड, क्या हो गया, ये जो मदर ब्लड था वो आरएच नेगेटिव था, तो उसने आरएच पॉजिटिव जो ब्लड था उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी। अब एंटीबॉडीज जब बन गई तब क्या हुआ, जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं वो अब अटैक करेंगी फीटल आरबीसी जो कि सेकंड प्रेगनेंसी में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया केस, अब एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई है तो अब जैसे ही ये फॉर्म होने लगेगा तो यहाँ पे ये आरबीसी को अटैक करेगा फीटल के, तो क्या होगा, ये यहाँ पे इसके आरबीसी की हिमोलिसिस कंडीशन हम इसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से हो क्या सकता है सेकेंड प्रेगनेंसी में, इट कैन बी न्यूनेटल डेथ और न्यूबॉर्न डेथ ड्यू टू हिमोलिसिस। तो हिमोलिसिस एक कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आरबीसीज डिस्ट्रॉय कर जाएंगे फीटल के और न्यूनेटल डेथ कैन अकर। सो इसी कंडीशन को बोला जाता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। सो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आज की कई सारी ऐसे कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसमें से हम एंटीडोट्स देते हैं आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, ताकि जो एंटीबॉडीज हैं वो फॉर्म ना हो, इनका फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में थी, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर अदर सोशल मीडिया पेजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।